हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करें अपना एग्जाम जो रिलेटेड है आपका एसएससी से। सीएचएसएल का एग्जाम है जिसे हम कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एजुकेशन बोलते हैं। ये आपके 12th लेवल का एग्जाम है। तो ये आपका 9 मार्च को हुआ था, 11:45 से लेके 12:45 के बीच में। जो आपका शिफ्ट सेकेंड शिफ्ट है, इसमें आपका ये एग्जाम हुआ था। तो इस एग्जाम में जो हम सोल्व करने वाले हैं, वो आपके रीजनिंग के क्वेश्चन सोल्व करेंगे कि किस तरह से क्या लॉजिक लगाया गया इन्होंने। ओके, तो यहाँ पर आपका रीजनिंग के क्वेश्चन आ चुके हैं, जिसे हम जनरल इंटेलिजेंस भी कहते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। क्या बोला कि एक सीरीज है आपके पास, तो इस सीरीज को फिल करना है। तो देखो, आपके पास सारे के सारे लेटर हैं, एम तो सभी में सेम है। तो हमें क्या देखना, या तो सेकंड चेक कर लो इस सेकंड लेटर, या फिर थर्ड लेटर चेक कर लो। तो देखते हैं, ये आपका B2 होता है, J10 होता है, R18 होता है, और ये आपका 8 होता है लास्ट में। तो बीच में क्या आएगा, बीच देखो सब में 8 8 प्लस किया गया। तो इसमें 8 प्लस करोगे तो कितना आएगा, 26 आएगा। तो 26 पे J आता है, तो वाई को कट करूं। अब थर्ड सीरीज देख लेते हैं, C3 पर आता है N14, Y25, और आपका ये कितना हो जाएगा, और U21 पर होता है। तो आप देखोगे ये 11 ऐड हो रहा है, 11 ऐड हो रहा है। ठीक है, तो अगर हम वापिस आए तो 11 11 माइनस करेंगे, तो इधर वापिस आएंगे तो 11 माइनस करेंगे, तो ये 10 आ जाएगा, और 10 पे क्या आता है, J आता है। तो MZJ आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्वेरियम फिश, क्या बोला कि अगर एक्वेरियम को हम कहाँ रखते हैं, फिश, सॉरी, एक्वेरियम में किसको रखते हैं, फिश को रखते हैं। तो आपको पता लगाना है कि पहले जो आएगी पहले प्लेस आएगी। ओके, और वो किस चीज की प्लेस है, थिंग आएगी। ठीक है, किस चीज की प्लेस है वो हमें बतानी है। तो देखो सेकंड ऑप्शन देखो, अगर सेकंड ऑप्शन को हम इंटरचेंज कर देते हैं तो ये भी राइट हो जाता, लेकिन क्या है, प्लेस बाद में है, तो ये गलत हो जाएगा। एनिमल को भी जू में रखते हैं, लेकिन ये भी प्लेस इंटरचेंज होते हैं तो ठीक हो जाता है। वाइन जो है के सेलर में रखी जाती है, तो ये इंटरचेंज होता है, ये भी ठीक हो जाता है। ठीक है, तो पहले क्या, हाइव, हाइव में क्या रखते हैं, हनी बी। ठीक है, तो ये आपका राइट हो जाएगा। ओके, हाइव प्लेस का नाम है और हनी बी आपका कोई भी चीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रोटीन्स को बोला गया ये वाला, तो देख लो, P16 होता, R18 होता, O15, T20, E5, I9, और आपका कितना हो जाएगा, N14, S29, ओके, सॉरी 19, सॉरी सॉरी 19। ओके, तो आप देखोगे कि यहां से यहां तक, 5 से लेकर 9, 5 से लेकर ये पूरा इस साइड का सेम है, एजिटीज आप देख लो, आप देखो। ठीक है, और इस साइड का चेंज है, इस साइड का क्या चेंज है, इसको उल्टा कर दिया, 7 ये है, 12 ये हो जाएगा, सॉरी ये 9 हो जाएगा, और ये आपका 11 हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब आधा तो सेम एजिटीज रख दिया लास्ट का, और जो स्टार्टिंग का उसका अपोजिट लेटर उठाए गए हैं। बाकी के आप चेक करो रिफ्लेक्ट को खुद प्रैक्टिस के रूप में। ओके, तो मैं सिनेरियो को ट्राई करता हूँ कि सिनेरियो अपना किस तरह से आंसर दे सकता है। तो S19, C3, E5, N14, A1, R18, I9 और O15 कितने लेटर हैं, 4 और 4। ठीक है, तो आई थिंक 4 4 ये हो गया। ठीक है, तो 1 18 9 15 ठीक रहेगा, 1 1 18 9 15 आएगा, तो ये क्या मान लिख रहा है, ये गलत हो जाएगा। ओके, ये आपका ठीक है, 1 18 आएगा तो ये गलत हो जाएगा, यहां से 1 18 आएगा ये गलत हो जाएगा। टाइम बचाने के लिए अपना खुद की प्रैक्टिस इतनी मजबूत करोगे, टाइम आपका बचे। और हाँ, अगर आपको ये तो आपको सोल्व करना मतलब आ गया, और यहाँ के प्लेसेस आप खुद फील करोगे कि आना चाहिए, कौन कौन से नंबर आने चाहिए इसमें, तो वो पता आपको खुद लगाना है। तो क्वाड्रिलेटरल पूछ रही है कि कितनी क्वाड्रिलेटर, तो आप इसमें काउंटिंग कर सकते हैं। तो 1 2 3 4 5 6, स्मॉल वाली 6 है। ओके, और बाकी चेक कर लेते हैं, ये आपकी 5, ये आपकी सॉरी 6 तो हो गई ना,
सात आठ, दो ये हो गई। ओके, और चेक करते हैं, क्वाड्रिलेटरल चेक करना है। अगर मैं इस पूरे को लूं तो ये नौ हो जाएगी, मतलब एक ये हो जाएगी। ओके, और ओके, एक और किसको लें भाई, नौ दस, नौ तो ये तीन नौ वाली हो गई, और दस ये फुल हो जाएगी, तो दो यहां से आ गई। ओके, और चेक कर लेते हैं और कहाँ है। दस, मेरे अकॉर्डिंग तो भाई 10 ही काउंट हो रही है, बाकी देख लेते हैं ऑप्शन है क्या, 10 का राइट आंसर होगा या नहीं होगा। तो 10 ऑप्शन में नहीं है, तो 11, 12, 13 एंड 14 है। या तो आपसे निकलती हो तो आप जरूर ट्राई करके देखिए और मुझे बताइए कि मैंने कौन सी मिस की है। ओके, नहीं तो आपके क्वेश्चन का एरर भी हो सकता है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। बोला कि और लेटर्स निकालने, मतलब तीन ऑप्शन आपके सेम होंगे और एक ऑप्शन आपका अलग होगा, तो तीनों के लेटर मैच कर लेते हैं। तो आपका ये सभी के लेटर मैच करते थे, 15, 19 और 24, I9N13 17, F6J10N14, N14R18 22। यहाँ पर 4 का डिफरेंस है, यहाँ पर 5 का, और सभी में आप चेक करोगे 4 का डिफरेंस है, 4 4 4 4 4 4। तो यहाँ पर 5 का डिफरेंस है, तो इसका मतलब ये आपका सबसे अलग होगा, राइट। अब इस क्वेश्चन में हम देखते हैं कि 11 से 81 बनाएगा, 22 से 400 बनाएगा, और इससे हम 225 बना देंगे, राइट। तो आप चेक करोगे कि ये आपका 9 का स्क्वायर है, यहाँ पर 20 का स्क्वायर है, राइट, और यहाँ पर 15 का स्क्वायर है। क्या इसमें से -2 किया तो वो इलिए का है? देखो आप, सेम लॉजिक लग रहा है -2 का, तो इधर भी हमने -2 किया, मतलब 15। अब इधर से इधर आए तो +2 कर दिया, बस इतना सा काम है। तो इधर से इधर आएंगे तो +2 कर देंगे, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा, 17 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मिरर इमेज बनानी है, तो मिरर इमेज में सबसे पहले क्या आएगा, यहाँ पर डी आएगा, ठीक है, वो भी उल्टा। तो थोड़े बड़े लेटर हैं तो डी आएगा, तो ये फर्स्ट ऑप्शन तो कट जाएगा और ये थर्ड ऑप्शन भी कट जाएगा, ठीक है। पहले के नहीं आएगा, डी आएगा, फिर डी एस ई जे एफ, यहाँ पर एफ क्या कर दिया, उल्टा लटका दिया, ठीक है। तो एफ जो आना चाहिए यहाँ पर ऐसे आना चाहिए, और तो ये ऑप्शन भी कट हो गया। तो लास्ट ऑप्शन, आपको बेशक आप मैच ना करके देखे, प्रैक्टिस ना करें, आपका आंसर लास्ट ऑप्शन ही जाएगा। ओके, चेक कर सकते हो, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। बोला है कि ये फिगर किस में काउंट होगी, तो मैं आपके ऑप्शन के अकॉर्डिंग काउंट कर रहा हूं, तो आप एक बार फिगर चेक कर लीजिए कि ये ऐसी फिगर हमें दिखाई देगी या नहीं। तो लास्ट ऑप्शन में ये फिगर, तो लास्ट ऑप्शन में कहां पर है ये हमें ढूंढना है, तो आप ये चेक करोगे, ये वाले ट्रायंगल तो मिल गया। ओके, और इसको चेक करो अब, इसको ये एक वो डंडी आ गई ट्रायंगल का, तो ये फिगर आपकी मैच हो रही है इस क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। बोला है क्या कि एफ के एडजेसेंट फेस ऑफ फेस कंटेनिंग एफ ऑन इट, ठीक है। बोला है कि एफ के जो सात वाले लेटर हैं वो हमें उठाने हैं। ओके, तो देखो एफ के साथ, एफ यहां पर आपको एफ दिखाई दे रहा है, तो इसके साथ में कौन है, एल है, तो एल तो आएगा, तो यहाँ पर एल नहीं है कट करो, एल नहीं है कट करो, यहाँ पर और यहाँ पर एल है। ओके, अब देखो,
अब मैं आपको एक ट्रिक बताना चाह रहा हूँ कि एक एक दूसरे का अपोजिट और एक दूसरे के साथ कौन कौन से लेटर आने वाले हैं। अब यहाँ पर भी एल है, यहाँ पर भी एल है, ठीक है। तो इसका मतलब जो एफ होगा वो नाइन के उल्टा होगा, एफ जो होगा वो नाइन के अपोजिट होगा, ठीक है। एफ जो होगा वो नाइन के अपोजिट होगा, और एट जो होगा वो सेवन के अपोजिट होगा, एट जो होगा वो सेवन के अपोजिट होगा, ठीक है। तो एफ का साथ बोला तो एफ का साथ नाइन तो आएगा नहीं, तो नाइन तो आएगा नहीं, तो ये कट करो और आपका आंसर सिर्फ क्या बचा है, एक ही आंसर बचा, वो आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बोला कि 14, 13, 3 को 30 बना दिया गया, 39, 14 और 3 को 56 बना दिया गया, और क्या बोला कि 28, 11, 4 को हम क्या बनाएंगे, वो हमें पता लगाना है। तो यहाँ पर आप चेक करोगे, मेरे ख्याल से ये प्लस हो रहे हैं, सारे के सारे प्लस हो रहे हैं, 14 और 13, 27 + 3 आपका 30 हो गया, तो 39 + 3 42, 42 और 14 56 हो गया, ठीक है। 18 और 11 कितना हो जाएगा, 39, 39 और 4 30, 43 आपका राइट आंसर दे देगा। प्लस करनी है, कुछ और नहीं करना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। स्टेटमेंट और कंक्लूजन बोला गया, ये आपकी स्टेटमेंट है, उसके नीचे कंक्लूजन दिया गया है। बोला कि ऑल एन आर क्यूब, सभी एन क्या है, क्यू है, ओके भाई। सम एच आर क्यूब, कुछ एच क्या है, क्यू है, ओके। अब बोला कि सम क्यू आर एन, क्या कुछ क्यू एन है, क्या कुछ क्यू एन है। अब यहां पर बोल दिया कि सभी के सभी एन जो है वो क्यू है, तो इसका मतलब एन जो है वो छोटा है और क्यू जो है बड़ा है। अब छोटे छोटी चीजें क्या होती है, बड़ी चीजों की कुछ ही प्लेस कवर कर पाती है, तो इसका मतलब ये आपका ठीक हो जाएगा, ठीक है। सम क्यू आर एच, कुछ क्यू क्या है, एच है, तो ये चीज तो इधर भी दे रखी कि एच क्यू हो चाहे क्यू एच हो, तो दोनों एक ही चीज होती है। सम एन आर एच, सम एन आर एच। अब यहाँ पर भी आपको दो कंडीशन दिखाई देगी, मैं सिर्फ एन एच का फिगर बना रहा हूं, तो एन एच का यहाँ पर इस फिगर में मैंने इस तरह बनाया और इस फिगर में इस तरह बना रहा हूं, क्योंकि मुझे एन और एच का कोई रिलेशन नहीं दिया गया है यहाँ पर। तो मेरे पास क्या है, दो कंडीशन हो सकती है, दो कंडीशन हो सकती है, और दो कंडीशन अगर मैंने ठीक करनी है तो क्वेश्चन में मेरे पास क्या आना चाहिए, पॉसिबिलिटी आना चाहिए, पॉसिबिलिटी आनी चाहिए, शायद हो सकता है, ठीक है। या फिर इसके अलावा जो आएगा वो नॉट का नॉट आना चाहिए, मे बी नॉट, मे बी नॉट, ठीक है। तो ये दो अगर लाइन और ये दो वर्डिंग अगर एडजस्ट हो जाती है इस ऑप्शन में, तो ये भी करेक्ट होता, नहीं तो अब ये हो गया गलत कंक्लूजन। तो दो कंक्लूजन आपके ठीक हैं, तो फर्स्ट एंड सेकंड आर फॉलो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। तो इस में फिगर में क्या आना चाहिए वो हमें चेक करना है, ओके। तो मैं ट्रायंगल वाला ले रहा हूं, तो ये ट्रायंगल इधर हो गया उल्टा हो गया, इधर आए उल्टा हो गया, अब लास्ट में जाके खड़ा हो जाएगा ऊपर की तरफ, ये मैच हो रहा है, ये मैच हो रहा, सारे मैच हो रहे हैं। चलो चेक कर लेते हैं, ये एरो का निशान इधर आए तो उल्टा हो गया, ओके। फिर ऊपर चला गया, अब की बार फर्स्ट प्लेस पे एरो का निशान नीचे की तरफ आएगा, एरो ऐसे आएगी फर्स्ट प्लेस पे, ये है ये नहीं है, आप देख सकते हो ऊपर की तरफ है, इसमें भी है और नीचे वाले में भी होगी, क्योंकि राइट ऑप्शन में वही दिखा रहा था आपका, ठीक है। तो और चेक कर लेते हैं, क्योंकि इसमें सारे ही सारे चेक करने हैं, तो इसमें ये नीचे है, फिर ऊपर चला गया, फिर प्लेस चेंज हो गई, नीचे आ गया, फिर ऊपर आ जाएगा, ऐसे हो जाएगा थर्ड प्लेस पे, क्या थर्ड प्लेस पे ऐसे है, नहीं है, तो कट करो इसको, क्या थर्ड प्लेस पे सीधा है, हाँ भाई थर्ड में भी ऑप्शन में सीधा है, सारे चेक करवा दिए इसने भाई। तो ये आपका लास्ट में गया, फिर यहाँ आया, फिर बीच में आएगा, ये ऊपर है आपके पास, नीचे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन में ऊपर की तरफ है, ये वाला ऊपर की तरफ है, तो ये गलत हो जाएगा, और ये आपका फोर्थ आपका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। बोला कि 2, 3, 5, 3, 5, 7, 11, तो आप देखोगे कि सिंपल सा क्वेश्चन दे रखा है कि प्राइम नंबर्स हैं सारे के सारे, तो अगला प्राइम नंबर निकालना है तो 13 आपका राइट आंसर दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं।
क्या बोला कि 36.99 और 106। ओके, आगे 72.27 से 214 बना दिया गया। तो एक बार चेक कर लेते हैं क्या डिफरेंस मैच हो रहा है इसमें कुछ ना कुछ। अगर मैं 36 से 106 पे जाऊं तो आप चेक करोगे क्या कि मल्टीप्लाई ऑफ 3 माइनस 2। इधर चेक कर लेते 72 × 3 कितना हो जाएगा, 216 - 2। ठीक है भाई, तो मैं बीच का एक बार छोड़ के क्या कर रहा हूँ कि आपने जो आंसर मैच करने की कोशिश करूंगा उससे देखूंगा। आप सारे के सारे चेक कर, मैं इसको देख रहा हूँ 24 × 3 = 72 होता, 72 - 2 करोगे तो 70। बिल्कुल ठीक लॉजिक लग रहा है इसमें। 64 × 3 कितना होता भाई, 192 होता, 192 - ये मैच नहीं हो रहा। ओके, तो इसमें देख लेते हैं 48 × 3 144 - 2 होगा, तो ये भी मैच नहीं हो रहा। ओके, 52 × 3 कितना हो जाएगा, 52 × 2 = 3 156 156 - 2 नहीं हो रहा भाई। ठीक है, तो आप चेक कर सकते हो कि सिर्फ अपने एक इसी लॉजिक पर क्या बना है, सिर्फ एक ही ऑप्शन चूज किया है, और बाकी अगर आपको मैच करने तो 7 माइनस कर दो इसमें से, बैक साइड 7 माइनस कर दो, तो यहाँ पर लॉजिक लगा, तो इसमें भी आप देख सकते हो 7 माइनस कर दो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। बोला कि डॉग फॉर पैरेट क्या चीज दी गई, देखो कुछ नहीं, डॉग के क्या होते हैं 4 टांगे होती है, तो पैरेट के बोला कितने टांगे होंगे, तो 2 टांगे होंगी। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर आ जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं, इसमें क्या पूछा है। हाउ मेनी रेप्टाइल्स आर नाइदर मेमल्स और नॉर एम्फीबियंस, तो रेप्टाइल चूज करो, रेप्टाइल का ये वाला एरिया, तो ना तो मेमल होने चाहिए ना एम्फीबियंस होने चाहिए, तो ये मेमल का है तो, और ये एम्फीबियंस, तो इसका मतलब ये 8 भी नहीं होना चाहिए, 4 भी नहीं होना चाहिए, 5 भी नहीं होना चाहिए, तो ओनली बचा क्या 14 बचा, तो 14 आपका राइट आंसर दे देंगे। सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई ज्यादा मुश्किल था ही नहीं है, आप चेक कर सकते हो 14 आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं, डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अरेंज करने हैं, तो आप देखोगे कि हमें डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अरेंज करते हैं तो अल्फाबेटिक करते हैं, तो अल्फाबेटिक में क्या होता है कि सबसे पहले ए आएगा, फिर बी आएगा, सी आएगा, ठीक है ऐसे, तो यहाँ पर देखो TATATATATA मैच हो रहा है सभी में, तो हम नेक्स्ट देख लेते हैं कि K C और L, 3 लेटर हैं CKL, तो सबसे पहले कौन आता है, C आता है, फिर आपका K आएगा, फिर आपका L आएगा, तो L लास्ट में आ जाएगा, तो ये तो 5th पोजीशन पर आ जाएगी, ये आपकी 4th पोजीशन पर, तो ऑप्शन मैच करने के लिए आपको 4th पोजीशन वन क्यों नहीं चाहिए, फिर 1 5 आना चाहिए लास्ट में, तो ये 1 5 नहीं दे रहा, ये भी नहीं दे रहा, ये भी नहीं दे रहा, तो ये क्यों दे रहा, टाइम बचाओ अपना जितना बचा सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं, बाकी प्रैक्टिस के लिए खुद सोल्व करके देखिए इस क्वेश्चन को, अगर मैं छोड़ रहा हूँ तो ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं चेक कर लेता हूँ आपका। बोला कि एच जो है वो सिस्टर है आई की, एच जो है सिस्टर है आई की, बी जो है वो मदर है एच की, तो बी जो हो जाएगी मदर हो जाएगी एच की, जे इज द डॉटर ऑफ आर, यहाँ पर जे अभी है ही नहीं, आई इज द सिस्टर ऑफ जे, आई इज द सिस्टर ऑफ जे, जे इज द डॉटर ऑफ आर, ये डॉटर है आर की, ओके, हाउ इज रिलेटेड टू एच, आर रिलेट टू एच, आर का रिलेशन एच से बताना है। अब आप देखो, अब आप एक चीज देखो, ये बहन है ओके, इसका पता नहीं मेल है या फिर फीमेल है, राइट, अगर ये तीनों एक ही लाइन में ब्रदर सिस्टर है, राइट, तो ये ऊपर क्या होंगे, ऊपर इनके माता पिता होंगे, तो ये तो फीमेल हो गए, तो इसका मतलब ये फीमेल मेल हो जाएगा, और ये दोनों हस्बैंड वाइफ हो जाएंगे, तो बोला कि एच जो है सॉरी आर जो है एच का क्या लगेगा, तो फादर लगेगा, सिंपल सा क्वेश्चन था, ज्यादा सोचना नहीं था इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं, बोला कि 3 पेयर जो है सिमिलर है बेसिक पर, तो
और जो अलग है उसको हमें निकालना पड़ेगा किस तरह से वो अलग है। तो यहाँ पर आप चेक करोगे कि क्या दे रखे हैं, यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर देखो क्या है, मेरे ख्याल से क्यूब होंगे। तो देखो क्यूब निकालने की ट्रिक क्या होती है, एक तो आपका जो लास्ट डिजिट होता है, लास्ट नंबर होता है, तो इसका क्यूब निकालो तो 8 का 512, तो लास्ट में 2 आना चाहिए, बिल्कुल करेक्ट है। 2 2 के लास्ट में 8 आना चाहिए, बिल्कुल करेक्ट है ये भी। 6 के लास्ट में 6 आना चाहिए, बिल्कुल करेक्ट है। 4 के लास्ट में क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए, ये भी करेक्ट है। तो अब हमें इससे तो पता नहीं चलेगा, देखो अब आपके पास क्यूब है और थोड़े बड़े क्यूब हैं, तो आपको क्या करना है, तो अपने आप निकाल के देख लेना है कि फार्मूला जो लगेगा वो क्या लगेगा। 100 + 8 हो जाएगा पहला तो ये, 100 + 2 2 निकाल लो, 100 के साथ 6 को प्लस कर दो, इनका क्यूब निकालना है। क्यूब का फॉर्मूला आपको पता होगा क्या होता है, तो इस तरह से आप ट्राई कर सकते हो। ओके, तो मेरे ख्याल से 108 का जो क्यूब होना चाहिए वो आपका 12 7 आगे आएगा, 5 पीछे आएगा, सॉरी 5 तो सही जगह है, 5 9 और 7 की प्लेस चेंज हो जाएगी, और ये 18 का 108 का क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ पर इन दोनों की प्लेस चेंज हो जाएगी। बस नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं, बाकी ठीक है, आप चेक कर सकते हो बेशक अपने तरीके से। और मैनेज को बोला कि ये, और लेटर को कोई क्या बोलेंगे, तो आप देखोगे 13 114 175, यहाँ पर 8 है 10 हो जाएगा, फिर आपका 4 हो जाएगा, फिर आपका 17 हो जाएगा, फिर आपका 4 हो जाएगा, और फिर आपका 16 हो जाएगा। तो हम इसको चेक करते हैं कि किस तरह से ये लॉजिक दिया गया है। तो आप देखोगे क्रॉस करो इनको, क्रॉस 5 से 8 बनाओ, 7 से 10 बनाओ, 1 से 4, 14 से 17, 1 से 4, 13 से 16, क्रॉस करने पर ये +3 कर दिया, बस आपका आंसर आ गया। तो यहाँ पर कौन कौन से मैच हो रहे हैं, WUH हो रहे हैं, ओके, और लास्ट के DO DO DO, तो ये इंटरचेंज हो जाते हैं, इसको देख लें कोई नहीं। बीच में कौन से लेटर आने चाहिए वो देखते हैं, टी टी की जगह, तो टी और टी को अगर हम क्रॉस करें तो दोनों लेटर सेम आएंगे, तो +3 करना, तो टी आपका 20 पर होता है, 23 आ जाएगा, और 23 पे कौन सा होता है, डब्ल्यू होता है, तो डब्ल्यू ये आंसर आ जाएगा। ये ऑप्शन कट जाएगा क्योंकि टी और टी मैच होंगे, तो ये गलत हो जाएगा और बाकी आंसर आपके आ जाएंगे। ठीक है, तो इसमें डब्ल्यू भी मैच हो रहा है और ओडी भी मैच हो रहा है, तो आप चेक कर लीजिए एक बार। एक जो ए होगा 1 1 होगा, तो ये आपका सेकंड स्टार्टिंग से सेकंड है, तो इधर जो होगा वो स्टार्टिंग एंड से सेकंड होगा, तो ए की जगह 4 आ जाएगा, 4 आपका डी होता है, तो लास्ट सेकंड डी होना चाहिए, तो ये गलत हो गया, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी खुद फिल करके देखिए कि क्या ये आंसर आपका मैच हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बोला कि एडिटर न्यूज़पेपर छापता हो, पुराने क्वेश्चन दे दिया, उस क्वेश्चन में क्या था, फॉर्मर क्रॉप था पिछले शिफ्ट वाला, और इसमें दे दिया, इसमें ये क्वेश्चन था, अब की बार इसने आंसर को क्वेश्चन बना दिया और पिछले में इसने आंसर बनाया था ऑप्शन में, ठीक है, फॉर्मर करो। तो एडिटर जो होता है वो न्यूज़पेपर को छापता है, राइट, ऐसे फसल कौन उगाता है, फार्मर उगाता है, ठीक है। डिजाइन सेम ऑप्शन है, सेम ऑप्शन है, यहाँ पर अगर इन दोनों को फूड और चेफ को इंटरचेंज कर देते तो यहाँ पर राइट हो जाता है, गलत हो गया, ठीक है। पोयम पोएट ये भी इंटरचेंज करते राइट हो जाता, डिजाइन आर्किटेक्ट इंटरचेंज करते तो राइट हो जाता, नहीं तो क्या है, पहले जो पर्सन है उसके बारे में बताया गया न्यूज, और वो जो काम करता है उसके बारे में सेकंड में बताया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं, सिमिलर है, ऑड वन आउट निकालना है, तो हम देखते हैं कि किस तरह से निकालेंगे। तो मेरे ख्याल से जो होगा ये 4 मल्टीपल है, आप चेक कर सकते, सेम इधर 4 मल्टीपल है, क्यों, मैंने अगर सेकंड ऑप्शन चेक किया था कि 4 6 = 24, 18 4 = 72, और यहाँ पर आप 4 ये 2 आ जाएगा, और यहाँ पर 25 आ जाएगा, तो इसलिए थोड़ा मैचिंग करें, ये आपका 4 मल्टीपल, आप चेक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इधर आप देखोगे तो 1074 का 4 मल्टीपल करोगे तो 6 और 9 और 4,
4 to 9 6 आना चाहिए, लेकिन 4 3 9 6 दे रखा तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। ये फिगर मैच करनी है कौन से ऑप्शन में, जो राइट ऑप्शन है अपना, तो उसके अकॉर्डिंग चेक कर लेते हैं कि कहां पर आपकी ये फिगर आने वाली है। मेरे ख्याल से जो फिगर है ये आपकी ये फिगर होगी, ये फिगर होगी। ठीक है, अब चेक कर सकते हैं क्या ये फिगर मैच हो रही है। बिल्कुल करेक्ट मैच हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। बोला कि इंटरचेंज करना है 4 और 3 को, और करेक्ट बताना है कि कौन सा राइट हो सकता है। ठीक है, तो खुद के लिए प्रैक्टिस करें सारे ऑप्शंस। मैं आपको एसएससी के अकॉर्डिंग चेक करता हूँ कि क्या 4 और 3 को इंटरचेंज करने पर 29 दे देगा। तो ये देखो, 3 और 4 को चेंज करना है, तो यहाँ पर 3 लिख देंगे, +4 कर देंगे, -7 -2, तो ये आपका 28, 28 -2 करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 26 आ जाएगा, 26 में 3 प्लस करोगे तो 29 आ जाएगा। बाकी प्रैक्टिस के लिए आप खुद ट्राई करके देखें कि हमें किसको इंटरचेंज अगर करना है तो इंटरचेंज करने पर क्या आने वाला है हमारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। मतलब इस क्वेश्चन में हमें चेक करना है और बताना है कि क्या राइट कौन सा अलग है। न्यू दिल्ली इंडिया, ओके, बीजिंग चाइना, ओके, ढाका बांग्लादेश, ओके, लाहौर पाकिस्तान। क्या लाहौर पाकिस्तान ठीक है? नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की जो राजधानी है वो कौन सी है? इस्लामाबाद। कौन सी राजधानी? इस्लामाबाद है। ओके, तो पाकिस्तान की राजधानी जो इस्लामाबाद है। ढाका, ढाका किसकी राजधानी? बांग्लादेश की। बीजिंग जो है चाइना की है, और दिल्ली जो है वो इंडिया की। तो यहाँ पर आपको क्या दिए गए हैं? कैपिटल दी गई है। ठीक है, तो ये आपको चीज याद रखनी जरूरी है, क्योंकि ये अपने पड़ोसी देश हैं और पड़ोसी देश के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए थोड़ी बहुत। ठीक है, तो आज के 25 क्वेश्चन हम कर चुके हैं कंप्लीट। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अपने नए पेपर एग्जाम के साथ। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। जय हिंद।